और अभी सुबह हुई है हमारी और शाहरुख अजमल जा रहा है कहाँ? आज शाहरुख अजमल की गाइस लास्ट क्लास है। आज शाहरुख अजमल जो है जंग फतह करके आएगा और अपना काम ठीक करेगा। शाहरुख अजमल जाओ यहाँ से, तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लौट के आ जाना। और मैंने बच्चों का बनाया है बिस्किट वाला दूध। ये जो दूध है ये लोग बहुत शौक से पीते हैं। फिलहाल जो है इनकी मस्ती, ओए नीचे गिर जाओगे, इनकी मस्तियां चल रही है। मस्तियां देखें, ये देखिए इधर, ये देखें इनकी लड़ाई होगी, लड़ाई छोटी छोटी उठ नहीं पा रही। और अभी शाहरुख अजमल भी आ चुका है घर और मेरा भी आया है पार्सल। इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है मेरे पास। ये मुझे आई है दो लिपस्टिक्स और ये एक ड्रेस है। ये बस आप लोग यहीं से ही देखो तो इसको जो है स्टिच करवाना पड़ेगा। और ये दो कलर्स हैं जो ये लिपस्टिक के हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं। ड्रेस का प्रॉब्लम ये कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं पहन नहीं सकती अभी गर्मियों में, इसको सर्दियों में ही पहना जा सकता है। अभी मैं ना लिपस्टिक ट्राई करने लगी हूँ अपने लिप्स के ऊपर और जो मुझे शाहरुख बोलेगा मैं बोलेगा शाहरुख कौन सी लगाऊँ बताओ, एक दो जल्दी से ये वाला लगाऊँ। चलो ठीक है ये लगा के देखते हैं। और अभी इफ्तार का टाइम था तो हम लोग आए हैं बाबर की तरफ। हेलो मैडम फादिया, पागल नहीं है, मजाक करता है फादिया तुम्हारे साथ, क्यों करते हो ऐसा? अभी मैं ये बेबीज का यहाँ से दूध लेने आया हूँ क्योंकि सुबह से दूध नहीं पी रहे, तब उनके लिए मैं ये और लैक्टोजन लेने आया हूँ। तो आज नेक्स्ट है और मैं और शाहरुख मिलके कर रहे हैं घर की सफाई। और वो देखो तुमने वहाँ से क्या कर दिया, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, मतलब बताती हूँ ठीक है। गुल्लू यार तुम तो हटो हटो गुल्लू, कबूतर आ गया वो नहीं हटेगा। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाले कपड़े कितने दिनों के बाद। और अभी सारे घर का जो है पोछा लग चुका है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब थोड़ा सा फेस वॉश करूंगी, थोड़ा सा सेट होंगी। डोंट नो मेरा कैमरे में मुंह इतना गंदा क्यों आता है। तो मेरे पास आज नाश्ते में है कीमा क्योंकि मैं डिलीवरी में बाकी जो है 17 डेज रह चुके हैं और मुझे चाहिए कि मुझे अच्छा खाना होगा, अच्छा अपना ख्याल रखना होगा। और मुझे कितने लोगों ने कहा कि मैं कमजोर लग रही हूँ बाय फेस और देखें अब क्या होता है, इसलिए मैं अपना खाना जो है प्रॉपर रख रही हूँ। रोजा मैं सिर्फ मंडे और फ्राइडे को रखूंगी, बाकी टाइम नहीं रख सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है और इस चीज की हमें अल्लाह ताला ने भी छूट दी है। Where are you going? Tell me. हमारे अबू ने न्यू मोबाइल लेना है। Why? उससे पूछो। You guys have very much money or something else? Something else. What do you mean by something else? You guys have diamonds or gold or what? Why you are ignoring me? Hello, I'm talking with you. Hello? They don't know how to speak English. That's why he is ignoring me. Actually, I am Queen Elizabeth. I know English very well. और ये शहजादा बैठा हुआ है ना, इसने इतनी बड़ी शैतानी की है, अभी पूरा ऑयल गिरा दिया, उसका बाउल तोड़ दिया, सब चीजें इसने तोड़ दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसने क्या हशर किया है बाहर। ये इसने दूध गिराया है सारा ब्राउनी। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग जो है बाहर इफ्तार करने जाएंगे। प्लीज जस्ट इग्नोर माई गंदा शीशा गाइज, ये कुछ लोगों की जबान की तरह बहुत गंदा हो चुका है, बट आई नो हाउ टू क्लीन। तो खैर मैं हो रही हूँ रेडी, रेडी होने के बाद पे चलते हैं। अच्छा तभी मैं और नैना दोनों जा रहे हैं इफ्तार के लिए बाहर, क्योंकि भाई मैं और नैना दोनों अकेले जा रहे हैं। रोज हम किसी ना किसी को ढूंढते हैं लेकिन आज हम दोनों अकेले जा रहे हैं। लेकिन मिलता कोई नहीं है, रादर बाबर वालों की तरफ जाते हैं, खड़े जाते हैं, लेकिन आज हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा बाहर से जाते हैं। और क्योंकि हम लोग कल सारे लोग नहीं डाला और आज भी नहीं डाला, तो यहाँ पर शाहरुख ने बोला कि बहुत ही मस्त फ्राइज होते हैं। बच्चों को ना बहुत ही चुल होती है कसम। तो हम लोग अपनी मंजिल एहतमाम पर पहुंच चुके हैं, पता नहीं मैंने क्या खाना, मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, जो भी खाऊंगी पता नहीं, लेकिन शेयर नहीं करूंगी आप लोगों को, नहीं करना चाहती अब मैं शेयर, बस खत्म। जितने मजे के लिए लग रहे उतने ही ये टेस्टी भी होते हैं और मैं आप लोग को इसकी वीडियो शेयर करूंगी जब मैं खाऊंगी। दिस इज वेरी 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 मच चीजी, वेरी मच चीजी। और हमने भी फ्राइज खा लिया, हमने खाया 400 का जो फ्राइज थे, मतलब 200 शाहरुख का 200 का ये, और बहुत रीजनेबल था और बहुत ही मज़े का था और खा के बहुत अच्छा भी लगा, दिल भी खुश हुई कि टेस्ट में बहुत अच्छा। हमने कब से फ्राइज करते जब से रमजान शाह हमने नहीं खाया, बट अब खाया, अब हम लोग बस खा रहे हैं। और अभी हम लोग लेने आए हैं यहाँ से कलर्स, अल्लाह करे मुझे वो मिल जाए। मुझे ना 9.3 चाहिए, यही रहा 9.3 रहा। तो हमने भी कलर ले लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस घर, घर नहीं जाना, हमने भी जाना है सैलून। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सैलून पर। शाहरुख मुझे मेरे कलर्स दो, अभी तुम देख रहे हो मैं बिल्कुल चेंज होके आऊँगी, ठीक है, समझ रहे हो, चेंज होके आऊँगी। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, सबसे पहले अपनी शर्ट चेंज की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिटिंग में थी,
इसलिए अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। अभी जो है मेरे बालों का कलर होगा चेंज और मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है मेरी बस एक दो घंटे में। और अभी जो है मेरे मर्दों वाले बालों में से जो है औरतों वाले बाल बन लेंगे। आशा भाई ने बोला कि मेरे औरतों वाले बाल इंशाल्लाह आज वो बना देंगी, तो देखते हैं आज। हाँ जी, और इन बालों को हम करने लगे हैं आज बाय बाय, देखते हैं आज हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। तो अभी हमारे बालों की कटिंग हो चुकी है और अभी नहीं दिखेगी, जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने कुछ अभी दिखाई नहीं क्लियर। अभी जो है कलर होगा, कलर होने के बाद आप लोगों को प्रॉपर दिखाती हूं। अब एक बार फिर से जो है रीटच होगा, रीटच होने के बाद हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कलर जो है मेरा डी कलर हो रहा है, उसके बाद जो है हमारा मेन कलर अप्लाई करेंगे। अभी जो है हम लोग 45 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। अभी हमने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद अभी जो है हम हेयर कलर जो है मेन अप्लाई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। और अभी 5 मिनट के बाद बस मेरे कलर को करेंगे वॉश और फिर जो है आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अपने बालों का। फिलहाल मैं गंजी लग रही हूँ, उसको प्लीज अवॉइड करें। मेरे बालों का कलर हो चुका है और ये है कुछ फाइनल से लुक। आप लोग बताना आप लोग कैसा लगा। मुझे तो बहुत नाइस लग रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल चेंज आ गया। प्लस मेरे बालों का जो हेयर का कटिंग है वो भी मैंने ठीक करवाया, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दिल करता हूँ ज़्यादा खेलती रहूँ, बस मेरे बाल हो जाए ना कलर या फिर कटिंग हो जाए तो मैं दिल करता खेलती रहूँ। और कटिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा नाइस लग रहा है, देखिए कितनी ज़्यादा शाइन है। सबसे अच्छी बात इन सब चीज़ इस कलर के मतलब जब ये चल रहा था प्रोसीजर, उससे मेरा एक भी बाल नहीं गिरा और ना ही मेरे बाल ड्राई हुए हैं ना ही डैमेज हुए हैं, जैसे मेरे थे वैसे के वैसे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं बताओ? कैमरा हाँ अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज गंदे मुंह क्यों बना रहे हो? अभी तो मैं चार अंक देखा ना, इसलिए मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, तारीफ करने में मौत आ रही है ना। तो फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ वापस। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और जैसे ही मैं घर आई तो दिलबर वाले आए हुए थे। उन लोग देकर गए मुझे ये प्यारे से गजरे और ये मुझे मेरी ईदी देकर गए, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी पहली ईदी मेरी अम्मी ने भिजवा दी, दूसरी ईदी दिलबर की तरफ से आई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और लगी हूँ सोने। मिली हूँ कल आप लोग को एक नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बिलीव मी गाइज, अपना 100% कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को डेली ब्लॉग में जो है अपलोड कर सकूँ, डेली ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। बट मैं इतना थक जाती हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों थक जाती हूँ, हालांकि मैं कोई काम नहीं करती, स्टिल आई एम वेरी टायर्ड। ऐसे ही नहीं, आसान नहीं होता जान के अंदर जान पलना। ये जब आज मैं आयशा भाई के पास गई, आयशा भाई ने मुझे ये बात बोली थी, सीरियसली ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो खैर अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और बाकी उन सब औरतों को हिम्मत दे जो इस टाइम से जाती हैं, और जबकि ये बहुत खूबसूरत टाइम है। फुल नींद में हूँ। तो खैर मिलते हैं कल, और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें दुआएं कीजिएगा। और हो सकता है मैं इस कलर से थोड़ा सा डार्क कलर पे जाऊँ क्योंकि मुझे कलर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लग रहा है अपने फेस के मुताबिक, बट आप लोग बताना कि ये सही है कि नहीं। यू लेट मी नो, हो सकता है कि मैं कल इसको चेंज करके मतलब सिंपल सा डार्क ब्राउन कर लूँ, कुछ पता नहीं मेरे दिमाग का गाइस। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो बाय।